नमस्कार, आज हम पेज इंडस्ट्रीज जो इंडिया में जॉकी बनाती है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे जॉकी इनरवेयर बिजनेस में इंडिया का नंबर वन ब्रांड बना। एक्चुअली जॉकी एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो 1934 में वाई शेप पैटर्न लॉन्च करने के बाद पॉपुलर हुई थी। 1920s-1930s में एक सिंधी बिजनेसमैन मिस्टर वैरोमल लीलाराम और उनके बेटे गेनोमल वैरोमल अपनी कंपनी वी लीलाराम एंड कंपनी के जरिए आजू बाजू की कंट्री से गारमेंट्स इंपोर्ट करते थे और उन्हें फिलीपींस में बेचते थे। 1930 में मिस्टर वैरोमल लीलाराम की डेथ के बाद उनके 21 साल के बेटे गेनोमल ने उनके बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। मिस्टर गेनोमल ने नोटिस किया कि जॉकी इनरवेयर का एक टॉप सेलिंग आइटम था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी कुछ टाइम तक अमेरिकन मिलिट्री फिलीपींस में मौजूद थी और उनकी वजह से ही वहाँ जॉकी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे फिलीपींस के लोग भी जॉकी की डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से मिस्टर गेनोमल वैरोमल का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मिस्टर गेनोमल के बिजनेस सक्सेस से इंप्रेस होकर 1959 में जॉकी ने उन्हें फिलीपींस में जॉकी मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ऑफर किया। मिस्टर गेनोमल ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया और जॉकी के बिजनेस को फिलीपींस में तेजी से एक्सपांड किया। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद जॉकी ने गेनोमल्स को इंडिया में जॉकी मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑफर दिया। उस टाइम इंडिया के इनरवेयर सेगमेंट में किसी फॉरेन प्रीमियम ब्रांड का कोई खास मार्केट शेयर नहीं था। गेनोमल्स को लगा कि इंडिया के इनरवेयर सेगमेंट में प्रीमियम मार्केट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने अपना पहला फोकस रिसर्च पर रखा। उन्होंने मार्केट रिसर्च फर्म मार्क को हायर किया और इंडिया के इनरवेयर मार्केट को डीपली समझा। साथ ही उन्होंने मार्केट रिसर्च करवा के पता किया कि इंडिया में प्रीमियम ब्रांड की डिमांड कैसी है। इस रिसर्च के जरिए उन्हें पता चला कि लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है और फिर उन्होंने इंडिया के लिए बिजनेस प्लान बनाया। अपनी माँ पार्वती गेनोमल के नाम के पहले दो दो लेटर्स लेकर उन्होंने कंपनी का नाम पेज अपैरल मैन्युफैक्चरिंग रख दिया। बाद में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर पेज इंडस्ट्रीज कर दिया। उस टाइम मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में इनरवेयर का कोई भी बड़ा ब्रांड प्रेजेंट नहीं था। रूपा, वीआईपी, डॉलर इन जैसे ब्रांड्स का कोई सिस्टमेटिक सेल्स चैनल नहीं था। वही गेनोमल्स ने ब्रांड बिल्डिंग को इम्पोर्टेंस दिया और एक सिस्टमेटिक सेल्स चैनल बनाया, जिसे जॉकी एक ब्रांड बनकर उभर आया और उसकी सेलिंग प्राइस भी सब जगह सेम रही। उस टाइम जब तक कोई रिटेलर लोगों को इनरवेयर नहीं दिखाता था, तब तक लोगों को इनरवेयर के ब्रांड्स के बारे में पता नहीं चलता था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए पेज इंडस्ट्रीज ने इन स्टोर एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया और ब्रांड बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटर्स चुने। जैसे कि शुरुआत में सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह पेज इंडस्ट्रीज को भी शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडिया में ज्यादातर इनरवेयर ब्रांड्स लो एंड ब्रांड्स है जो इनरवेयर का मास प्रोडक्शन करके मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऐसे माहौल में हाई क्वालिटी का मटेरियल सप्लायर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। धीरे धीरे पेज इंडस्ट्रीज इन प्रॉब्लम से आगे बढ़ी। इंडिया के इनरवेयर मार्केट में तब ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जिसका लोगों पर स्ट्रांग इंप्रेशन हो, तो अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए जॉकी ने एडवर्टीजमेंट कैंपेन शुरू किए, जैसे कि जस्ट जॉकिंग, जॉकी और नथिंग, और ये कैंपेन्स बहुत सक्सेसफुल हो गए। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेबर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेज इंडस्ट्रीज ने देखा कि लेबर प्रोटेस्ट की वजह से ही टीटी के टेंटेक्स और एसोसिएटेड अपैरल्स इन बड़ी इनरवेयर कंपनीज की छुट्टी हो गई थी, और कंपिटिटर्स की इस गलती से पेज इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी सीख ली, और वो ये कि लेबर रिलेशंस अच्छे रखो। कंपनी बड़े एफर्ट्स के साथ अपने लेबर्स को ट्रेन करती है और साथ ही कंपनी ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें सुपरवाइजर्स वर्कर्स को डांट नहीं सकते, उन पर चिल्ला नहीं सकते, साथ ही वो लेबर्स को कई तरह के फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि कंपनी के फैक्ट्री कैंटीन में फ्री में खाना देते हैं और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अब पेज इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। जॉकी आपको छोटे होजरी स्टोर्स में मिलेगा, जॉकी आपको मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में मिलेगा जहां पर प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, जॉकी आपको उनके खुद के आउटलेट्स में मिलेगा और मॉल्स में भी मिलेगा। हर स्टोर का क्लाइंट बेस अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, होजरी स्टोर्स में लोअर और मिडिल क्लास लोग जाते हैं, ब्रांड आउटलेट्स में मिडिल क्लास और अपर क्लास लोग जाते हैं। तो इस तरह जॉकी ने पूरे क्लाइंट बेस को कवर कर लिया है। अपने स्टार परफॉर्मेंस की वजह से पेज इंडस्ट्रीज का रिवेन्यू पिछले 10-12 सालों से सालाना 35% से बढ़ रहा है। कंपनी की स्ट्रांग परफॉर्मेंस और गेनोमल्स के जॉकी के साथ अच्छे रिलेशंस के चलते जॉकी ने पेज के साथ अपना लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साल 2010 में 20 साल के लिए एक्सटेंड किया है, यानी 2030 तक एक्सटेंड किया है। यूजुअली कंपनीज 3 या 5 साल के लिए लाइसेंस एक्सटेंड करते हैं, पर पेज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और गेनोमल्स के जॉकी के साथ अच्छे रिलेशंस की वजह से जॉकी ने लाइसेंस 20 साल के लिए एक्सटेंड किया। यूजुअली जब कंपनीज एक्सपांशन मोड में होती है, यानी अपने ऑपरेशंस एक्सपांड कर रही होती है, तब उसका असर उसके प्रॉफिट पर पड़ता है।
तो जब कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है तब ज़्यादातर कंपनीज का प्रॉफिट या तो घट जाता है या कंपनी लॉस में चली जाती है। पेज इंडस्ट्रीज ने भी अपने ऑपरेशंस एक्सपांड किए पर उसका उन्होंने कंपनी के प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ने दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पेज इंडस्ट्रीज 2007 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। 2007 में पेज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किए हुए 1,00,000 रुपये की वर्थ आज 35,00,000 रुपये है, जो कि करीब 45% सालाना रिटर्न है। तो आज के इस केस स्टडी में हमें सीखने मिला कि किसी बिजनेस में एंटर करने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा ब्रांड बिल्डिंग पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, और तीसरा लेबर रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। थर्सडे को हमने आपको एक ऑफर के बारे में बताया था जिसमें आप अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग, डीमैट और कमोडिटी अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। उस ऑफर की वैलिडिटी 2 दिन तक थी, यानी कल रात तक थी, पर बहुत सारे लोगों ने अकाउंट के लिए अप्लाई करने की वजह से अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस थोड़ी धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से अपस्टॉक्स की ऑफर 2 दिन के लिए एक्सटेंड की गई है, यानी कल रात तक एक्सटेंड की गई है। तो अगर आप प्रोसेस में हो तो आप अपनी प्रोसेस कल रात तक ख़त्म कीजिए, और अगर आपने प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आपके पास कल रात तक का समय है जिसमें आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। इस ऑफर की अकाउंट ओपनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई है। अगर आपको अकाउंट ओपन करते हुए कुछ दिक्कत आ रही है तो आप 9211-79432 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो मिस्टर सौरभ मुखर्जी की बुक द अनयूजुअल बिलियनियर्स की समरी का दूसरा पार्ट है। हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।